दत्त ने नारद जी को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक जगह तुम टिक करके रहोगे। नारद जी ने कहा तो बहुत अच्छी बात आपने कही थी, अरे मैं घूम घूम करके भगवान का भजन करूंगा, हरि नाम का प्रचार करूंगा, आप ये श्राप नहीं, आपने तो मेरे लिए वरदान दे दिया, लेकिन मैं आपको श्राप नहीं देता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि आपके एक नहीं, दो नहीं, चार पांच दस नहीं, 60 कन्याएं हैं, और इन्हीं 60 कन्याओं में विश्व रूप का जन्म, इसी 60 कन्याओं से कथा आती है। कि एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रलोक हो गए, अमरावती इंद्र की राजधानी, उस समय इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, इंद्राणी बगल में थी, अप्सरा नृत्य कर रही है, इंद्र ने गुरु जी को आसन देना तो दूर के बाद, गुरु जी की तरफ पलट करके देखा तक, जिसके परिणाम क्या हुआ, गुरु बृहस्पति को क्रोध आया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, गए और उल्टे वहां से चले। अब जब बाद में इंद्र को पता लगा तो इंद्र अब गुरु जी को ढूंढने लगे, लेकिन गुरु जी कहीं नहीं, इसके प्रभाव से इंद्र का जो ऐश्वर्य था वो नष्ट हो गया। अब ऐश्वर्य नष्ट होते ही, क्योंकि कहा जाता है जैसे ही ऐश्वर्य नष्ट हुआ, इंद्र भगवान विष्णु के पास गए कि महाराज गुरु जी नाराज होके चले गए, जिसके फलस्वरूप हमारे सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया, कोई कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि इंद्र ऐसा करो, तुम विश्व रूप को गुरु बना लो, पहले वो मना करेगा, लेकिन ज्यादा तुम प्रार्थना करोगे तो मान जाएगा, तो उसको गुरु बना लो। विश्व रूप के पास गए, भैया देखो मां अलग अलग है लेकिन पिता तो दोनों का एक ही है, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं और किसी के पास जाओ। इंद्र ने बहुत प्रार्थना की, नहीं भैया मान जा, विश्व रूप मान गया, नारायण कवच का उपदेश दिए, उसके प्रभाव से इंद्र का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, लेकिन
विश्वरूप जो यज्ञ करता था तो जोर जोर से प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः धन्वंतरे स्वाहा इदम धन्वंतरे नमः जोर जोर से देवताओं के नाम ले ले करके और आहुति डालता था। लेकिन अपने भाई बंधु को धीरे से आवाज नाम ले करके और आहुति छोड़ते थे। इंद्र को पता चला कि विश्वरूप ऐसा कार्य कर रहा है, देवताओं को तो देता है लेकिन साथ में अपने भाइयों को भी भाग देता है। इंद्र को क्रोध आया और वज्र उठा ली और वज्र से विश्वरूप का सिर छेदन कर दिया। अब जब सिर छेदन कर दिया तो विश्वरूप के शरीर से वृतासुर प्रकट हुआ, जिसके तीन मुख थे, एक से वारुण, एक से सोम और एक से अनन्या। इंद्र ने वृतासुर को मारने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वृतासुर मरा। तब भगवान विष्णु के पास गए कि महाराज वृतासुर को मैं बहुत मारने की चेष्टा कर रहा हूं लेकिन मेरा अस्त्र शस्त्र सब निष्फल जा रहा है। तब भगवान ने कहा देखो वृतासुर ऐसे नहीं मरे, तुम ऋषि दधीचि के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करना, वो अपने शरीर का त्याग करेंगे, उनके हड्डी का वज्र बनाना, मैं अपना तेज उसमें निहित करूंगा और दधीचि के हड्डी से ही बने हुए वज्र से वृतासुर की मृत्यु। अब जब गए तो जाने के बाद उनको प्रार्थना की, महाराज आप अपने शरीर का परित्याग कर दो। ऋषि ने कहा परित्याग कर दो, अरे बड़े स्वार्थी लोग तुम लोग हो, तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं शरीर का परित्याग कर दूं। इंद्र ने बहुत अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, तब जाकर के ऋषि तैयार हुए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ऋषि ने अपने शरीर की त्याग की और इंद्र ने उनके हड्डी को लिया उसका वज्र बनाया और वज्र बना करके वृतासुर का उद्धार किया।
ऋषि दधीची की पत्नी गर्भ, जब उसने सुनी कि इंद्र ने मेरे पति का अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हड्डी की याचना की, हड्डी प्राप्त करने के लिए, इंद्र को देने के लिए मेरे पति को अपना शरीर परित्याग करना पड़ा, अब तो वो जो ऋषि पत्नी थी सुवर्चा, उसने एक समीप पत्थर पड़ा था अपने पेट में मार लिया। जिसके प्रभाव से और पति के चिता में प्रवेश कर गया, उसी समय आकाशवाणी देवी, पहली बात तो गर्भवती स्त्री को सती होना न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात, महर्षि दधीची का जो निशानी है वो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है, इसकी तुम रक्षा करो। आकाशवाणी को सुन करके ऋषि पत्नी, अच्छा 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 कुछ दिन पश्चात एक पुत्र को उसने जन्म दिया, बहुत सुंदर पुत्र था। चूमी और ले जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे उस बालक को रख दिया। अश्वयम सुवर्चा समाधि लेकर के शिवलोक को चले गए। तब से उनका नाम पिपलाद पड़ गया। एक दधीची पुत्र ऋषि पिपलाद पुष्पभद्र नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी दृष्टि स्नान करते करते, क्योंकि दूसरे किनारे कुछ युवतियों के साथ एक परम सुंदरी स्त्री स्नान कर रही, पिपलाद की दृष्टि
उस सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ा। पिपलाद ने पता किए एक कन्या तो पता चला ये कन्या अनरण्य क्या पिपलाद अनरण्य के राजधानी पहुंच गए। कहा महाराज आपकी पुत्री के ऊपर मेरा मन आ गया है, इसलिए मैं आपके पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। अनरण्य ने कहा तुम्हारा न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, हमारी पुत्री राजसी ठाट बाट में पली है, राजसी ठाट बाट में जीवन व्यतीत की है, राजसी ठाट बाट में पली और बड़ी हुई है और तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, तो मेरी पुत्री जो राजकुमारी है इतने सुख सुविधा में रही पली है बड़ी हुई है, तुम्हारे साथ कैसे जीवन व्यतीत कर सकते। ऋषि ने कहा राजन अगर आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करते तो सारे राज्यपाट को मैं जला करके राख कर दूं, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। राजा डर के मारे भयभीत थे, ऋषि तो कह के चले गए अपने आसपास, राजा भयभीत हो गए और भयभीत होकर के विचार किया और फिर अपनी पुत्री को लेकर के ऋषि पिपलाद के आश्रम में पहुंचे। और जब आश्रम में पहुंचे और अपनी पुत्री का विवाह ऋषि पिपलाद के साथ किया, अब राजकुमारी पद्मा जो पिपलाद की पत्नी थी बड़े प्रेम से पति की सेवा करता था, बड़े ही भाव से पति की सेवा कर रही है। एक बार जब उनका एक पुत्र हुआ तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया,
कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के जितने शिव भक्त हैं आज के बाद 16 वर्ष की आयु तक, जन्म से 16 वर्ष की आयु तक जितने भी शिव भक्त हैं आज के बाद शनि ग्रह 16 साल के आयु तक किसी को नहीं है। और अगर ऐसा करेगा शनि तो उसे दंड दिया जाएगा। और दंड के बाद साथ साथ अगर 16 साल से कम आयु के किसी भी शिव भक्त को शनि का प्रकोप हुआ तो शनि जल करके भस्म हो जाए। ये ऋषि पिपलाद को भगवान शिव ने वरदान दिया। गोविंद जय जय गोपाल केशवर ने शनकादि सनत कुमारों को कहा, हे मुनि, मैंने आपको भगवान का
परम भक्त पिपलाद के चरित्र को श्रवण कराए। मैं आपको वैद्यनाथ का अवतार वर्णन करता हूं। एक समय पूर्व नंदीगांव में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी, जो भगवान शिव के परम भक्त, परम भक्त। एक रोज भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए वैश्य का रूप धारण किया। उस वैश्य के हाथ में दो कंगन था बहुत सुंदर। ओ वैश्य सुनंदा के पास, महानंदा के पास पहुंचे। महानंदा ने उस वैश्य के हाथ में कंगन को देखे। जब कंगन को देखा, अब महानंदा के मन में आया कि कंगन मुझे प्राप्त हो जाए। उस वैश्य ने महानंदा से कहा, क्या तुम्हें ये कंगन चाहिए? अगर तुम्हें ये कंगन चाहिए तो तुम्हें वचन देने हैं। और मुझे ये वचन तीन बार चाहिए। महानंदा ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? वैश्य ने कहा, यही कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वचन चाहिए। क्या कि तुम तीन दिन तक मेरी पत्नी बनकर के रहोगी? अरे महाराज, हम तो वेश्या ठहरे, हमारे पास तो लोग अपने जीव बहलाने के लिए आते हैं। आज ये पुरुष, कल वो पुरुष, परसों नहीं। तुम अगर तीन दिन मेरी पत्नी बनने का वचन दो तीन दिन तक, तो ये कंगन मैं तुझे दे दूं। वेश्या के मन में तो कंगन बैठा हुआ था। महानंदा ने कहा, ठीक है, मैं आपको
वचन देती हूँ, त्रिवाचा भरती हूँ। कि मैं तीन दिन तक आपके साथ पत्नी के रूप में रहूंगा। अब महानंदा और वैश्य दोनों रह गए। वैश्य ने एक सुंदर सा शिवलिंग महानंदा को दिया और कहा, देवी इस शिवलिंग को बड़े संभाल करके रखना, इसका कुछ होना नहीं चाहिए। और तीसरे दिन मैं ये शिवलिंग तुमसे ले लूं। तीन दिन बाद महानंदा ने उस शिवलिंग को लेकर के अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन संयोगवश झोपड़ी में वेश्या के महानंदा के घर में आग लगी। अब आग लगी तो महानंदा अपनी मुर्गी को लेकर के और अपने पशु को लेकर के बाहर तो निकल गई, लेकिन शिवलिंग को उसी में छोड़ दिया। अब शिवलिंग उसमें जल करके राख वैश्य आया। वैश्य ने कहा, देवी घर तो जल गया लेकिन शिवलिंग कहां? महाराज ने कहा, क्या कहूं, शिवलिंग जल करके राख हो गया घर के साथ। अब वो वैश्य उस अग्नि में कूद करके अपने प्राणांत कर दिया। अब महानंदा को बड़ा पश्चाताप, महानंदा करने लगे कि देखो मेरे कारण वैश्य ने अपने प्राणांत कर दिया। मैं मुर्गी को बचाई और पशुओं को बचाई, लेकिन उस शिवलिंग को नहीं बचाई। ये मेरे कारण हुआ। लेकिन मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्षर हो ही जाती है। किससे गलती नहीं है? कोई ये कहे कि मैं गलती नहीं करता हूं या मानी नहीं सकता। हर किसी से गलती होती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। गलती करके पछताए उसे इंसान को, पराया दुख अपनाए उसे इंसान कहते। गलती करो लेकिन गलती करने के बाद पश्चाताप करो।
जब पश्चाताप तुम करोगे तभी तुम सुधार कर सकते। ये नहीं कि गलती भी किए और गलती करने के बाद हम कह अरे हमने तो गलती किया ही, हमसे तो गलती होता ही नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। ध्यान ठीक है, गलती हो गई, हमने मान लिया कि हमसे गलती हो गई, स्वीकार करो हमसे गलती हो गई, लेकिन ये नहीं कि हमने गलती किया। महानंदा पश्चाताप कर रही है, अगर मैं शिवलिंग को बचा लेती तो ये नहीं मरती, वैश्य नहीं मरता। फिर याद आया कि वैश्य ने तो कहा था कि 3 दिन की पत्नी तुम्हें बनना है, अभी तो 1 दिन शेष है, तुरंत वैश्य के चिताग्नि में कूदने लगी। जैसे ही कूदने लगी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा देवी मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही वैश्य का रूप धारण किया, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगती हो। महानंदा ने कहा प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दो, अपने मन के अंदर अपने हृदय में मेरा स्थान हो, क्योंकि मैंने अपने साथियों के सहित और आपका दर्शन किए, आपकी बड़ी कृपा हुई, भगवान शिव ने महानंदा को कृपा करते हुए महानंदा के ऊपर और शिव लोक को भेज दिया। भगवान शिव करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, किसी भी प्रकार से ये मत देखो कि मेरी अपराध क्या है, अगर अपने पाप को देखोगे तो तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे मेरे भाई, अपने पाप को देखो मत देखो, गोविंद के बाबा के करुणा को देखो, उनकी करुणा कैसे करुणा वरुणालय है, कितने कृपालु, उनकी करुणा उनकी कृपा उनकी अनुग्रह उनकी भक्ति वत्सलता
का निरंतर ध्यान करते हुए और एक ही नाम मैं तो जब क्योंकि अब कथा का विश्राम कल पुनः कल विश्राम का दिन है कथा का कल पुनः 3 बजे हम और आप मिलेंगे कथा में। आओ गोविंद नाम लेते हुए शिव नाम लेते हुए आज की कथा का विश्राम ले। मैं तो जब सदा तेरा नाम भोले I'm
भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। Yeah.